दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए दिन भर में काफी सारी अपडेट्स निकल कर आई है। कुछ प्लेयर्स के लिए अच्छी खबर है तो कुछ फैंस के लिए भी अच्छी खबर निकल कर आई है। कई प्लेयर्स नए नए टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो कुछ प्लेयर्स का कमबैक भी होने देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत कर लेते हैं टॉप अपडेट्स के साथ, बट उससे पहले यार इंस्टाग्राम पर मजेदार पोस्ट आती रहती है, टेलीग्राम भी लिंक नीचे है तो फटाफट फॉलो कर लो। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स के साथ। तो पहली अपडेट आ रही है श्रेयस अय्यर को लेकर। साल 2022 के अंदर टीम केकेआर के अंदर आए यूथ आइकन और एक बहुत ही अच्छे अग्रेशन और अप्रोच के साथ खेलने वाले, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अटैक करने वाले कैप्टन श्रेयस अय्यर साल 2023 के अंदर अनफॉर्चुनेटली टीम केकेआर का ना हिस्सा बन पाए, ना ही एक भी मुकाबला खेल पाए, ना ही एक भी मुकाबला वो लाइव देख पाए होंगे यहां पर मैदान पर आकर। बट यहां पर दोस्तों रिसेंटली अब माना जा रहा है कि श्रेयस एशिया कप के अंदर तो कमबैक करने ही वाले हैं। इसके लिए वो अपने फिटनेस के ऊपर खास ध्यान तो दे ही रहे हैं, बट अभी रिसेंटली अगर बात करें तो एक पोस्ट के अंदर काफी सारे गेम्स वो खेलते हुए नजर आए। चाहे बात करें तो प्लेस्टेशन जिसमें वो काफी अच्छे-अच्छे गेम्स खेलते हैं। वैसे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कौन-कौन यहां पर BGMI या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलता है वो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं, इसके अलावा युजवेंद्र चहल खेलते हैं, बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर खेलते हैं, यहां तक कि आपके कैप्टन श्रेयस अय्यर को भी ये गेम पसंद है, तो यार मजा तो आता ही है। खैर ये गेम खेलते हुए नजर आए, इसके अलावा टेनिस खेलते हुए नजर आए, स्नूकर खेलते हुए नजर आए, गोल्फ खेलते हुए नजर आए, कमबैक इनका होने वाला है। बट हाँ दोस्तों अभी भी कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर रहने वाले हैं, जैसे कि इंडिया की T20 टीम के अंदर श्रेयस अय्यर स्क्वाड में तो आ जाते हैं बट प्लेइंग 11 में क्योंकि सूर्य है तो यहाँ पर दोस्तों मुमकिन नहीं है उनकी पोजीशन। बट ODI के अंदर तो गॉड है यहाँ पर जॉड प्लेयर श्रेयस अय्यर, तो देखते हैं किस तरह से आ पाते हैं अपने कमबैक को लेकर। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि श्रेयस अय्यर के स्टेट्स ऐसे बताते हैं, जब जब उन्होंने कमबैक किया तब तक तूफान मचाया है, बट कमबैक वाली सीरीज में तूफान मचाकर अगली सीरीज में वो सुपर फ्लॉप होते हैं, ऐसे उनके स्टेट्स हैं। बट हाँ एक सीरीज उनको लगती है उसके बाद वो वापस कमबैक कर पाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर धमाका मचा पाते हैं। तो सभी फैंस वेट कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर का कमबैक कब होता है, कब वो यहाँ पर नेट्स में भी देखने को मिलते हैं। हल्के फुल्के नेट सेशन इन्होंने जरूर किए हैं। क्या आप टीम केकेआर के कैप्टन श्रेयस अय्यर का नेट सेशन देखना चाहोगे, नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। एंड अगली अपडेट निकल कर आ रही है आर्य देसाई को लेकर। तो यहां पर दोस्तों टीम केकेआर ने एक लेफ्ट हैंडेड प्लेयर को अपनी टीम के अंदर लिया था, वो भी बहुत लेट लिया था, काफी सारे लोगों को ये रिप्लेसमेंट लग रही थी बट ये रिप्लेसमेंट नहीं थी। टीम केकेआर के पास एक एम्प्टी स्लॉट बाकी था, उसके अंदर इनको लिया गया था। आर्य देसाई एक ओपनिंग बल्लेबाज है जो कि लेफ्ट हैंडेड खेलते हैं, काफी यंग है और अभी रिसेंटली उन्होंने एक कैंप अटेम्प्ट किया था जो कि पांडिचेरी के अंदर हो रहा था। अब इस कैंप के अंदर डिटेल्स की बात ये थी कि जो U23 और U25 के प्लेयर्स थे टीम इंडिया के लिए, वहां पर दोस्तों उन कैंप के अंदर इनको बुलाया गया था ताकि और अपने जो परफॉर्मेंस उसको नर्चर और पॉलिश कर पाए। तो उस तरीके से यहां पर आर्य देसाई ने एक पोस्ट भी शेयर किया था जिसके अंदर ये अभी नजर आए खेलते हुए और जो कैंप है उसको अटेंड करते हुए। देखते हैं ये यंग जो टैलेंट है अभी, क्योंकि इनको ना लोग जानते हैं टीम केकेआर के ना ही आईपीएल, क्योंकि इनको मौका नहीं दिया गया है, तो क्या देखते हैं कि अगले साल ये रिटेन हो पाते हैं या फिर दोस्तों किसी और टीम में जाते हैं या फिर जो भी होगा आगे पता चल जाएगा। एंड अगली अपडेट निकल कर आ रही है अनुकुल रॉय को लेकर। तो अनुकुल रॉय यहां पर बैंगलोर पहुंच चुके हैं, NCA में जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों अनुकुल रॉय एक बात करें तो यहां पर आप इनको छोटा जडेजा कह सकते हो, फील्डिंग में फिटनेस के अंदर और ऑलराउंड परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही है। अब बैंगलोर के अंदर ये NCA में जाएंगे, उसके बाद ये दोस्तों दुलीप ट्रॉफी के लिए पूरी तरह से तैयारी कर लेंगे। सो लेट्स सी एंड लेट्स होप कि यहां पर सभी नाइट्स दुलीप ट्रॉफी के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।